सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पता नहीं आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो कल की वाली देखी है नहीं देखी है। आप में से कुछ लोगों ने देख ली है वो मुझे पता है, पहले भी देखी है तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि मैंने दोबारा देखी तो आज ये हुआ कि जयश्री का मुझे मैसेज आया। जयश्री ने ये वीडियो मुझे भेजी एंड जयश्री ने मैसेज लिखा कि दीदी 9:45 से एक बार इस वीडियो को देखो आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू सी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि सडनली मैंने जयश्री को लिखा ओके okay, और मैं कुछ और करने लग पड़ी, कुछ और काम कर रही थी एंड देन ही टोल्ड मी दैट वॉच इट राइट नाउ। और जैसे ही मैंने देखा, मुझे नहीं, मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने जब चैनल बनाया था दूसरा वाला तब मैंने ब्रॉडकास्ट पे कोई मैसेज डाला था, वरना मैं ब्रॉडकास्ट पे मैसेज नहीं डालती हूँ, ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे। बट दिस आई हैड टू पुट ऑन द ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो वीडियो है, ये मुझे लगता है कुछ 2 महीने पहले बनाया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीने, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा तो माँ को ही गए हुए हो गया, तो लगभग 2 महीने पहले बनाया होगा वीडियो। और तब तक चंद्रयान, चंद्रयान 3, सूर्ययान, इनकी तो कोई कोई जिक्र नहीं था। एंड नोबडी टोल्ड अस कि 28 अगस्त को सैटर्न जो है वो धरती कितने पास आएगा कि नेकेड आई से दिख जाएगा। ऑल ऑफ दिस वाज नॉट, वी वर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ दिस। और मैंने खुद भी शुरू से नहीं देखी वीडियो, आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग फ्रॉम 9 मिनट्स। तो मैंने 9 मिनट से देखना शुरू की, और जब मैंने 9 मिनट से देखना शुरू की तो एक्चुअली द सन मून एनर्जी, द सैटर्न बीइंग विजिबल, कोई प्रोजेक्ट जिस पर बहुत फेलियर के बाद फाइनली एक सक्सेसफुल काम होगा, ऑल ऑफ दिस इट स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस सो ब्यूटिफुली टू टेल दैट यस इट इज टाइम फॉर कल्कि टू अराइव, एट लीस्ट टाइम फॉर विजिबली सी द इफेक्ट्स ऑफ कल्कि। सो कल्कि इफेक्ट जो है उसको दिखने का, उसके देखने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द टाइम जब चंद्रयान जो है चंद्रमा पे लैंड हुआ है। नाउ एक और चीज जो बहुत अमेजिंग है अबाउट दैट वीडियो, एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुली कार्ड्स वर्क, राइट? इट इज नॉट माई वर्क, इट्स नॉट एनीबडी एल्सेस, इट्स जस्ट हाउ ब्यूटिफुली कार्ड्स वर्क, राइट? और दिस इज जब जब वो कार्ड्स पे साथ में कल्कि के कौन कौन आएंगे तो उसमें जो एनर्जीज आई, वहां पर शिव का कार्ड था, बट मुझे नहीं पता कि व्हाई दैट वाज इंटरप्रेटेड एट दैट टाइम एज शिव शक्ति। मैंने मैंने उस कार्ड को सिर्फ शिव की तरह, शिव शक्ति का कार्ड नहीं था और नारेश्वर का भी नहीं था, बट उस कार्ड को उस वक्त शिव और शक्ति के साथ ही इंटरप्रेट किया गया। और चंद्रयान जहां पर लैंड हुआ है उसका शिव शक्ति स्पॉट का नाम दिया गया है, उस एग्जैक्ट उसका जहां पर चंद्रयान लैंड हुआ है। एंड आई थिंक दैट कुछ 3 या 4 दिन पहले का लाइव था जहां पर सुशांत ने अर्ध नारेश्वर का मैसेज दिया था, और एग्जैक्टली दैट आल्सो मैचेस, बट हाउ ब्यूटिफुली ऑल ऑफ दिस इज मैचिंग। शिव शक्ति का नाम आना वीडियो में, पहले से शिव की जगह शिव शक्ति शिव के उसमें बोलना, इट इज सो ब्यूटिफुली फॉलिंग इन प्लेस, विच मीन्स दैट यस द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ कल्कि, द टाइम ऑफ विजिबली सीइंग द साइंस ऑफ कल्कि इज ऑलमोस्ट हियर, क्योंकि वो जो इवेंट्स जिन्होंने ट्रिगर करना था वो इवेंट्स ट्रिगर हो गए, और लिटरली वो दिखे कार्ड्स में और वो ट्रिगर हो गए। अच्छा, दिस इज यस चंद्रयान 2 का तिरंगा, चंद्रयान 3 का शक्ति, एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि चंद्रयान 1 का जवाहर है बाय द वे। सो दिस इज सो ब्यूटिफुल दैट यहाँ पे किसी पर्सन का नाम या किसी पर्सन की कास्ट नहीं है, इट इज अबाउट भारत, विच इज सो सो सेल्फलेस, एंड दिस इज सो अमेजिंग। खैर वो पॉलिटिकल पार्ट आ गया, बट या सो दिस इज वन इन अदर थिंग दैट आई हैड टू शेयर विद यू गाइज, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग इस एनर्जी में होंगे अभी और उनको क्लियर होना है अपनी एनर्जी से, बट कल एक और